नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां शुक्रवार को समाजवादी छात्र सभा वाराणसी के कार्यकर्ताओं एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र नेताओं ने भारत माता मंदिर पर केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया, साथ ही साथ जमकर विरोध में नारे लगाए। इसमें मुख्य रूप से श्रेयस मिश्रा छात्र नेता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और आयुष यादव छात्र नेता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के साथ साथ अन्य लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। मैं आयुष यादव छात्र नेता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। आज हम सब समाजवादी छात्र सभा के नौजवान यहाँ भारत माता मंदिर में निजीकरण और संविदाकरण के विरोध में यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे? हमारी मांगे यही है, जो निजीकरण करके सरकार देश को खोखला कर रहा है। निजीकरण के नाम पे, अच्छे फैसिलिटी के नाम पे देश के सभी तमाम सरकारी चीज़ों को बर्बाद किया जा रहा है। मेरा केंद्र सरकार से यही सवाल है कि जब स्कूल प्राइवेट हो जा रहा है, अस्पताल प्राइवेट हो जा रहा है, सड़क प्राइवेट हो जा रहे हैं, तो हमारे देश के सांसद और प्रधानमंत्री क्यों सरकारी हैं? उनको दी जाने वाली व्यवस्थाएँ क्यों सरकारी हैं? इनको भी प्राइवेट कर दिया जाए। ये निजीकरण नहीं, निजीकरण के नाम पे खुली लूट हो रही है। नेताजी, मंत्री जी जो सरकार बनाए सरकारी रहे और उनको उनकी बनाई गई नीतियाँ प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट कर दिया जाए। संविदाकरण के नाम पे छात्रों नौजवानों को आत्मविश्वास को ठेस पहुँचाया जा रहा है। उनको एकदम रोक दिया जा रहा है, कहीं आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। छात्र नौजवान एकदम त्रस्त हैं, व्यापारी त्रस्त है। ये तानाशाही सरकार जीडीपी, ये देश की जीडीपी 5% ला दी है। आज से 45 साल तक अब कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 3.36 करोड़ बेरोजगारी का रेट गिर चुका है। बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। ये सरकार तानाशाही सरकार बन चुकी है। इसका विरोध हम नौजवान खुल के करते हैं और जो इस सरकार द्वारा विरोध प्रदर्शन करने पे भी रोका जा रहा है, तो विरोध प्रदर्शन हम लोग का संवैधानिक हक है। और आप देख सकते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग बना के किया जा रहा है। धन्यवाद जी, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम श्रेयस मिश्रा, छात्र नेता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। जैसा कि सरकार द्वारा निजीकरण के फैसले को हम सभी छात्र नौजवान पूर्ण तरह से इसका बहिष्कार करते हैं और विरोध करते हैं। अरे ये सरकार है, रेलवे अगर सरकार की नहीं है, ये प्राइवेट करना चाहती है। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, BSNL है, एक समय हुआ करता था BSNL ही नेटवर्क केवल हम लोगों के बीच था, सबके यहाँ यही हुआ था। आज जियो इस कदर देश में हो रहा है, BSNL को दबाया जा रहा है, इसका क्या कारण है? आखिर यही तो निजीकरण की एक शुरुआत है। एटलस साइकिल की कंपनी सन 1950 की कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी थी वो जब चल रही थी और वो अब बंद हो चुकी है, तो ये देश की अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ जा रही है, यही सब निजीकरण का काम रहा। अरे ये सरकार अगर निजीकरण कर रही है, ये रेलवे ये सरकार नहीं दे सकती, ये सरकार रोड नहीं दे सकती, ये सरकार अगर कोल हमारे जो हैं जितने भी हैं, हमारे मिनरल्स हैं, इसके जितने भी पेट्रोलियम के जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, सबको अगर निजीकरण करना चाहती है तो इसके सरकार का मतलब ही क्या है? तो सरकार ही है, क्यों नहीं प्राइवेट हो जाती है? सरकार ही प्राइवेट हो जाए जब ये सरकार हर चीज़ का निजीकरण ही कर रही है। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे ये सारे जो फैसले हैं निजीकरण के, चाहे बिजली के हों चाहे रेलवे के हों, ये सरकार को, क्या सरकार रेलवे नहीं चला सकती? क्या वो बिजली नहीं चला सकती? अब तक नहीं चलता था, सभी को पूर्ण तरह से वापस लिया जाए, ये हम सब नौजवानों की मांग है। और साथ ही साथ संविदा पे जिस तरह सरकार जो है नौकरी के लिए कर रही है 5 साल तक के लिए, इसको किया जाए, ये नौजवानों के लिए बहुत क्षति है, नौजवानों को पहुंचा रही है। नौजवान इतना संघर्ष करता है, पढ़ता है, किस लिए करता है? और सरकार, इसको नौजवान विरोधी सरकार है और नौजवानों की रोजगार मारने का ये सरकार काम कर रही है।